ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी जिला शहर मुख्यालयों में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से भाजपा की देश विरोधी नीति रही है और भाजपा के शासन काल में लोगों की दुर्गति हुई है, चाहे वो आसमान छू रही अपार महंगाई को लेकर हो या फिर नोटबंदी व GST, यह मौजूदा किसान के काले कानून, देश की आवाम आज त्रस्त है। देश भर के लोगों को अनाज मुहैया कराने वाले अन्नदाता सड़कों पर हैं, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार विकास करने की बात कहकर खुद की पीठ थपथपाती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर BJP सरकार का पुतला दहन किया और देश विरोधी भाजपा के विरुद्ध नारे लगाते हुए नजर आए, तो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर उठाकर केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोला। वहीं प्रीतम सिंह ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि वह विपक्ष में होने का अपना धर्म निभा रहे हैं और मौजूदा सरकार जब जब प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात करने का काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से प्रदर्शन कर विरोध जताने का काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में BJP सरकार से प्रदेश की जनता ऊब चुकी है और विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को हराकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। हम राजनीतिक दल हैं, जब चुनाव आते हैं तो हम चुनाव के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन आज हम विपक्ष में हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग गरीब आदमी पर जिस तरीके से लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो विपक्ष में हम हैं इसलिए हमने आज जो है आम जन की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। महंगाई में सरकार विफल साबित हुई है, उसके खिलाफ प्रदर्शन और जो है पुतला दहन करने का काम किया। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है भाजपा की है। आज महंगाई की स्थिति आपके सामने, गैस के सिलेंडर को जो कांग्रेस 400 पर छोड़ के गई थी, आज वो लगभग 900 रुपया जो है आम आदमी को मिल रहा है। पेट्रोल 85 के पार चला गया है, डीजल 75 के पार चला गया है, दाल सब्जी खाद्य चीज़ें जितनी भी हैं, तेल, सब के दाम आसमान छूने का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ है, एक और वो कोरोना से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर वो महंगाई से जंग लड़ने का काम कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए आज कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार का पुतला दहन। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।